तो जैसा कि आपने देखा कि कोहली जो है फिर फेल हो गए, आई वुड से अगेन एंड अगेन, एंड कोहली, विराट कोहली इज नॉट दैट विराट कोहली विच ही वॉज। आपको ये बात बेशक बुरी लगे, आई एम सॉरी टू से दैट, आप हमारे बाबर आजम का मजाक तो बहुत उड़ाते हैं। आई एम सॉरी, आई यू नो, मैं समझता हूँ कि ही इज अ लेजेंड, ठीक है, ही इज लेजेंड, एंड आई स्टिल मैं सोचता हूँ कि वो कम बैक करेगा, बट राइट नाउ उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज वरिंग। और बिल्कुल ही जब आउट हो गया तो मेरा मैच देखने का, मैं उसी वक्त समझ गया, मैंने कहा नहीं, जिस तरह के उसने बैटिंग के इतने स्लो खेले, 34 बॉल के ऊपर 35 रन्स, और फिर आप जो है बाबर आजम का मजाक उड़ाते हैं। देखें, जो लीग हो चाहे आईपीएल इज नॉट समथिंग विच इज जो कि एक आम चीज हो, आईपीएल इज अ बिग इवेंट, और आईपीएल जो है एक बहुत बड़ा इवेंट है, चाहे आईपीएल हो चाहे आपका इंटरनेशनल कोई मैच हो, अगर आप T20 के हिसाब से नहीं खेलेंगे देन यू आर नॉट T20 मटीरियल, और फिर आप जो है यू नो आप बुरा मानते हैं इस चीज को, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, आपको ये चीज जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि विराट कोहली ने अभी बहुत कुछ करना है, और आई मीन उसने बहुत कुछ कर तो दिया है, लेकिन अभी दैट्स नॉट इनफ। जिस तरह के आजकल जो है हमारे पास क्रिकेटर आ रहे हैं, जो रूट, कैन विलियमसन, रोहित शर्मा को मैं क्रेडिट दूंगा, जिस तरह के वो प्लेयर हैं मैं उनको मानता हूँ अभी भी वो जो है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर का मैं नाम मेंशन करना जो जरूर चाहूंगा, दैट इज केएल राहुल। हाँ, यू नो जिस तरह की उसने अमेजिंग इनिंग खेली, 91 रन्स, एंड दैट वाज इनक्रेडिबल, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, किसी एक बॉलर को नहीं छोड़ा, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। इसके अलावा गेल ने उनका भरपूर साथ दिया, 46 रन उन्होंने बनाए, और अनफॉर्चुनेटली जो है वो केएल राहुल अपनी सेंचुरी जो है मुकम्मल ना कर सके। अच्छा टारगेट दिया जिसके जवाब में यहाँ पर एक और ऑलराउंडर जो है उभरता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज हरप्रीत, जिस तरह की उन्होंने एंड में आके बैटिंग भी की है और 3 विकेटें भी जो है चटकाई हैं, राजस्थान सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के, दैट वाज इनक्रेडिबल, एंड आई वुड से के ही इज एब्सोल्युटली जो है एक बहुत जो है बड़े टैलेंट है, एंड दैट इज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर टीम इंडिया। एक्चुअली काफी यंगस्टर हमें नजर आ रहे हैं, विराट कोहली के बाद जो है हमें कोई भी बैट्समैन, ना आपका मैक्सवेल चला ना आपका डिविलियर चला, एंड दैट इज नॉट अ रियली गुड साइन फॉर RCB। दे आर स्टिल आई थिंक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, उन्होंने अभी तक सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, 4 मैचेस जीते हैं और सॉरी 5 मैचेस जीते हैं और 2 हारे हैं, 7 मैचेस टोटल उनके हो चुके हैं, लिहाजा उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड विराट कोहली स्पेशली आई थिंक ही नीड रेस्ट, उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उनके ऊपर जब क्रिटिसिज्म होगा तो वो ग्रेट प्लेयर हैं, उसके पास कैपेसिटी है इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता भी है, टू बी ऑनेस्ट, कि इस वक्त जो है आई थिंक ही विल स्टिल यू नो बिग मैच प्लेयर, जैसे हम आमिर को कहते हैं, मोहम्मद आमिर को, कि ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, जब भी बड़े मैच में जो है बड़ा मैच होता है तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं और अपना जो है अपना फॉर्म दिखाते हैं। मोहम्मद आमिर जो है वैसे जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच हो तो उसमें वो परफॉर्म करते हैं, चैम्पियन ट्रॉफी सबको याद है, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं उसमें मोहम्मद आमिर ने परफॉर्म किया। इसी तरह कोहली की जो है ये बात, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, एंड आई स्टिल बिलीव दैट ही विल कम बैक। दोस्तों आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं कल, कल के वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे मैचेस हैं और बांग्लादेश और श्रीलंका भी है टेस्ट मैच, उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का जो है आई थिंक कल जो है मैच फिनिश हो जाएगा, और इसके अलावा IPL के जो मैचेस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।